के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खुद का आप फ्री फायर कैरेक्टर मैस्कोट कैसे बना सकते हो। सिर्फ अपनी गेम में जाकर स्क्रीनशॉट लेकर उसमें आप खुद का मैस्कोट लोगो कैसे बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो यही वाला इसी टॉपिक पे होने वाली है कि आप कैसे अपना खुद का मैस्कोट लोगो बना सकते हो। खुद का जैसे आप पबजी का बना सकते हो, फ्री फायर या कैरेक्टर किसी का भी कैरेक्टर का बना सकते हो बहुत आसानी तरीके से। तो आपको सबसे पहले अपने गेम में जाना है, वहाँ पर जो भी आउटफिट आपको पसंद आ रही हो उसमें लगाकर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद अपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना या फिर आपको मिल जाएगी मेरे, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद वहाँ पर मैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाली है। तो पहला पार्ट ये है जिसमें आपको आउटलाइन करके दिखाऊँगा और बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा बहुत आसानी से। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन है, इसे सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको गैलरी पे जाकर एक ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाना है और यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्ट पिक्चर का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको अपने स्क्रीन शॉट को लेकर आना है जिसे मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर रखा है। तो यहाँ पर आपको इसे बड़ा कर लेना है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं साइज़ में ले आना है और क्या कहते हैं इस तरीके से यहाँ पर कर देना है डन। जैसे यहाँ पर आप इतना करोगे उसके बाद ये डन कर देना। तो इसके बाद यहाँ पर हम इसको ले आएंगे डन। तो ये सारी फालतू चीज़ें से कट कर देना और क्या कहते हैं लेयर वाले आइकन पे जाकर इसे सबसे नीचे ले आना। दोस्तों एक पहली बार आपको बताएगा कि कैसे आपको करना है। और दोस्तों ये मेरा पहला मैस्कोट होने वाला है इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से बनाया। ये मेरा पहला मैस्कोट लोगो है जो मैंने खुद का मैस्कोट बनाया, बाकी मैं डाउनलोड कर लेता था। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रश लेना है, जो नॉर्मल ब्रश है वही वाला लेना है जो सबसे आगे होगा। और उसके बाद उसकी जो साइज़ होगी उसे 8 पे रखना है जो कि डिफ़ॉल्ट है, ब्रश आपको ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको टूल्स मिलेंगे ऊपर जो ऊपर के साइड में, और फोर्स फेड को अनेबल करके कम कर देना, यानी फोर्स फेड उसमें पहले से होगा आपको अनेबल कर लेना है। और ये वाला टूल ले लेना है, ये जो ड्राइंग टूल में जाकर ये वाला टूल ले लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आपको दिखा दिया। दोस्तों तो लाइन में आगे पीछे ना थोड़ा थोड़ा वो पतला हो जा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एक तरीका है। तो वो यहाँ पर आपको जाना है फोर्स फेड को अनेबल करके लेंथ ऑफ स्टार्ट और लेंथ ऑफ एंड को 0% कर देना है। और उसके बाद ड्रॉइंग टूल सेलेक्ट कर लेना कर्व वाला जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद अब इसमें आपको पूरी मास्किंग करनी है, यानी पूरा आउटलाइन बनना है। जैसे हमें स्कूल में ड्राइंग बुक्स मिलती हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं ऐसे मास्किंग करनी होती है कुछ कुछ लाइनें मिला के, वैसे ही। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कर लेना पूरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ी देर बाद वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा क्योंकि ये करने में बहुत टाइम लगा था इसलिए यहाँ पर आपको, लेकिन जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। आपको पूरा आउटलाइन बना लेना है, उसके बाद जो पार्ट टू आएगा उसमें मैं आपको कलर भर के दिखाऊंगा। कलर भरने वाला ऑप्शन बहुत आसान है इसलिए मैं ये वाला एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कलर भरना बहुत ही आसान है, उसमें शेडिंग करके। और अगली वीडियो में मैं आपको आइज़ बनाना सिखाऊंगा और क्या कहते हैं कलर भरना सिखाऊंगा। इसमें सिर्फ आपको बस हम वो करेंगे, इसमें सिर्फ हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता रहा है कि यहाँ पर दो फिंगर पर तीन फिंगर करोगे तो अंडू हो जाएगा और फिर रीडू हो जाएगा दो बार ऐसे करोगे तो यहाँ पर आप करके मैंने देख लिया। ये वाला एप्लीकेशन मैंने पहली बार यूज़ किया था, लेकिन एप्लीकेशन बहुत आसान है। अगर आप पहली बार भी यूज़ करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि पहली बार आप यूज़ कर रहे हो, बहुत आसान एप्लीकेशन है। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा टाइम बचे। और यहाँ पर आपको वीडियो को बहुत केयरफुली देखनी है, यहाँ पर आपको वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना, यहाँ पर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अगर आप देर तक एक जगह पर टैप करके रखोगे ना तो वाला कलर सेलेक्ट होने लग जाएगा, यानी अगर देर तक आप प्रेस करके रखोगे तो वहाँ पर कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए यानी आपको टैप टैप करके करना है, मतलब देर तक प्रेस नहीं करना, थोड़ा सा प्रेस करना है। यहाँ पर देखो जैसे बार बार कलर सेलेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत केयरफुली देखना है। अगर आप चाहो तो वीडियो की स्पीड थोड़ा सा कम करके देख लो, वरना तो इतनी स्पीड में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कैसे किया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा साउंड बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देता हूँ और ताकि आपको बोरिंग ना लगे।
यहाँ पर आपको बना लिया हमने। और दोस्तों जो हमें जो नीचे वाला प्रोजेक्ट है, हमें एक नया लेयर बना के इस पर ड्रॉ करना है। आपको उसी लेयर पर ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लगा लेना और यहाँ बैक पे करना है और बैक टू माई गैलरी पे करना है, तो ये सेव हो जाएगा अपने आप ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट टू यहाँ पर मैं आपको कल ही अपलोड कर दूंगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पार्ट टू देखने के लिए। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।